हेलो, वेलकम टू एक्टिव फिल्म्स। इस वीडियो में हम एक सीन क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम क्रिएट पाथ करने वाले हैं, जिसमें हम एक ऑटो रिक्शा रहेगा, उसको हम उस पाथ से लिंक करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे संडे, एवरी संडे एक वीडियो अपलोड होगा। तो इसके लिए हम अभी सीन के लिए अभी हम एक सीन क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्काई ले लेते हैं, जो हमें स्काई दिखाना है। आ जाएंगे प्रॉप्स में, जो भी स्काई हो कुछ भी ले लेते हैं। तो यह स्काई ले लिया, ठीक है। अब ये कम रोड वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं। स्ट्रीट रोड, ठीक है, ये रोड लिया। अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हमारा ऑटो है तो वो यहाँ से इस तरफ से जाएगा, इधर से। थोड़ा सा मैं और क्लोज करता हूँ। तो यहाँ से ये रोड, यहाँ से ऑटो आएगा और ऐसे होके यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। ये हम पाथ क्रिएट करने वाले हैं। और अगर एक आध रोड हम देख लें जो सही हो, और स्ट्रीट लाइन रोड, इतना पाथ क्रिएट करेंगे कि यहाँ से ऑटो जाएगा और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम एक पाथ क्रिएट करेंगे, तो हम क्रिएट पर जाने वाले हैं और यहाँ क्रिएट पाथ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्रिएट पाथ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस के कर्सर के साथ एक ऐसा वो आ जाएगा, तो हमको जहाँ से जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे। तो हम इसे अभी क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ तक हमें इस पाथ को ले आना है वहाँ वहाँ पर ये टिक लगाते जाएंगे। यहाँ पर हम कर देंगे डबल क्लिक। अभी ये पाथ क्रिएट हो गया। अब हम जो भी हमारा ऑटो रिक्शा है हम उसे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा जहाँ भी पर भी हो आपके पास, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल मैंने उसे कस्टम में क्रिएट कर रखा है, तो मैं उसे कस्टम से यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो ये मेरा कस्टम में था ऑटो, तो मैं इसे यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा इम्पोर्ट हो गया ऑटो। जैसे चाहो तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, बट अभी मुझे डायरेक्ट रोटेट नहीं करना है। मैं सीधा इसे एक्सेस कर दूंगा, डायरेक्ट रोटेट कर दूंगा पाथ के साथ। तो इस पर अभी हम क्लिक करने वाला हूँ। ऑटो को आपको क्लिक करे रखना है और मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई टैब में, और यहाँ पर आपको पिक पाथ करके ऑप्शन आएगा। स्क्रॉल करोगे पाथ के नीचे पिक पाथ का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप ऑटो को सिलेक्ट करे रखते हैं और जैसे ही आप इस पर पिक पाथ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कर्सर बन जाएगा। इसको आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ऑटो कहीं भी होगा वो यहाँ पर जिस पाथ को आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब हमें यहाँ से इसका रोड जो पाथ है, पाथ के वे में हमें इसका ऑटो का सामने का जो फ्रंट रहेगा वो हमें उस पाथ के वे में करना है। तो इसके लिए जहाँ पर भी ये आपको फॉलो पाथ पर क्लिक दिख रहा है, आपको फॉलो पाथ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सेस क्लिक करना है। हमें वन बाई वन देख लेना है किससे ये पाथ की ओर रोटेट रहेगा। अभी मैं क्लोज अप ले जाता हूँ आपको,
तो देखिए अभी हमने इसको y माइनस जेड एक्सिस किया है तो ये उल्टा हो गया। अब हम y माइनस करते हैं तो ये उधर की साइड हो गया, माइनस एक्स एक्सिस करते हैं वो भी गलत है। अब हम जेड करते हैं, जेड भी गलत हो रहा है, इस पर वाई वर्क करेगा, वाई सीधा इसके पाथ के वे में हो जाएगा, वहाँ पे एक्स एक्सिस देखें तो वो अलग है। ठीक है, वाई इसका फॉलो करेगा। अभी ये पाथ यहाँ तक हो गया। अभी अब हम क्या करेंगे कि इसे हम थोड़ा सा हेड कर देते हैं, चलिए यहाँ तक कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, जो पाथ था यहाँ से यहाँ तक था, अभी हमने वो कर दिया। अभी हम इसे रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे यहाँ से, या हम एनिमेशन ऑन करेंगे, और हमें जहाँ तक रखना है वहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ पर 1500 या कुछ भी जहाँ तक हमें इसे ऑटो को चलाना है उतना फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं 1500, और ये यहाँ पर हमारा ये जो यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर 1500 हो जाएगा। तो सीधा यहाँ 1500 तक लाएंगे, और जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पाथ पोजीशन, तो यहाँ पर आपको 100 करना है। अगर आप यहाँ पर पहले, अगर आपने ये जो आपका जो टाइमलाइन है, अगर आपने इसे यहाँ पर नहीं किया, और जैसे ये अभी देखिए हम शुरू में रखते हैं इसको, और हमने यहाँ पर 100 फॉलो पाथ पर 100 किया, मतलब लास्ट तक जहाँ तक है, तो उसके लिए हम 100 ही करेंगे। और अभी देखिए ये 100 हो गया, यहाँ तक फोटो आ गया। बट अब देखिए हम जैसे टाइमलाइन को ऑन करेंगे, तो ये जो वीडियो को ऑन करेंगे, सॉरी एनिमेशन को ऑन करेंगे, तो हमारा ऑटो यहाँ से मूव नहीं करेगा। देखिए वहीं की वहीं है हमारा जो ये टाइमलाइन है वो चलती जा रही है, बट ऑटो वहीं पर। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको पीछे बैक कॉल करना है, और यहाँ पर ये 100 है इसको हम फिर से 0 ही कर देते हैं, या हम कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। और यहाँ पर हम फिर से 1500, और यहाँ पर फ्रेम ऐड करेंगे डायरेक्टली। आप 1500 नहीं, जितना भी आपको जहाँ तक भी फ्रेम में सही लगे वहाँ तक आप उतना करें। अभी हमने 1500 किया, और यहाँ पर हमने 100 किया। ठीक है, ये 100 किया। अभी हमारा देखिए पाथ के ऊपर एक ऊपर से एक एक्स्ट्रा लाइन बन के आ गई, इसका मतलब ये पाथ के साथ अटैच हो गया। अभी हम इसको जैसे ही प्ले करेंगे तो हमारे 1500 फ्रेम तक ये ऑटो चलेगा। अभी हम इसको एंड कर देते हैं टाइमलाइन को। अभी हम इसको टाइमलाइन को 0 से प्ले करते हैं, तो बैक क्लिक करते हैं और हम इसे 0 से प्ले करते हैं। अभी हम इसको जैसे ही प्ले करेंगे तो देखिए हमारा ऑटो मूव हो रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड के साथ हो रहा है। यहाँ तक अब हम जो हमारा ये बार बार हो रहा है उसको हम कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉलो पाथ देख रहा है, यहाँ पर हमने 100 की जगह गलत टाइप हो गया है। तो इसको हम एक बार फिर से कंट्रोल जेड करेंगे और बैक करेंगे, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये हमारा यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं है, एक बार हम बैक करते हैं इसको, आप प्ले करके देख लेंगे कोई भी एनिमेशन नहीं है। अभी यहाँ पर हम 1500 और टाइप करते हैं एंटर। अभी हम यहाँ पर 100 करते हैं। अभी हम फिर से इसको प्ले करेंगे, क्या था हमारा यहाँ पर 1400 टाइप हो गया था, वो हमने यहाँ पर करना था, वो उस पर भी क्लिक था, इस पर भी क्लिक था, इस वजह से वहाँ पर भी टाइप हो गया और यहाँ पर भी। अब हम इसको एक बार फिर से प्ले करेंगे और शुरू से देखेंगे, लास्ट फ्रेम पर ले जाएंगे, फर्स्ट फ्रेम पर और प्ले करेंगे। देखिए अभी ये ऑटो प्ले हो रहा है।
ये इतना स्लो इसीलिए हो रहा है। यहां से और रोटेट होगा, और 15 सेकंड तक यहां तक आ जाएगा। अगर इसकी स्पीड को आपको फास्ट करना है तो हम ऑटो पे, जहां पर भी ऑटो है, ऑटो की एनिमेशन लेयर में जाएंगे। तो पहले इसे ऑन करते हैं, यह है हमारा, और यहां से हम जो ट्रांसफॉर्म फ्रेम है इसको हम क्लिक करेंगे एक बार। यहां से हम पर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और एनिमेशन पर क्लिक करना है। एनिमेशन पर किया, अभी ये हमारा जो फ्रेम है इसको हम यहां पर ले आएंगे ज्यादा नहीं, 1000, ठीक है। अभी हम, अभी देखिए, अब इसको हम प्ले करते हैं। देखिए थोड़ा तेजी आई ऑटो में और स्पीड से चल रहा है। आप इसको और जितना कम कर दोगे आपका ऑटो इतना स्लो और फास्ट चलेगा। अब हम इसको क्लोज अप में ले जा देते हैं। टाइमलाइन को छोटा करते हैं और इसकी अब इसे हम देखते हैं, और एक कैमरा क्रिएट करते हैं, सेट कैमरा, और हम एक कैमरे को हम इसके साथ लिंक कर दे रहे हैं, या हम इसी से, यहां से इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली इस तरीके से अपने ऑटो को पाथ के साथ कहीं भी आपको जैसे से एनिमेशन करना है। अगर आप इसे मोबाइल, अगर आप डायरेक्टली पाथ ना क्रिएट करके अगर माउस से करोगे तो आपको यहां से इसे ले जाने में कई बार रोटेट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर गए तो यहां से हमें इसे रोटेट करना पड़ता है, तो ये आपको पाथ से क्रिएट करने में अच्छा लगता है और आसानी हो जाता है।